मूवी की शुरुआत में हम मार्ता नाम की लेडी को देखते हैं जो कि अपने हस्बैंड डारियो के साथ बेड पर इंटीमेट हो रखी थी। इंटीमेट होने के बाद डारियो तुरंत सो जाता है और हम मार्ता के चेहरे पर एक उदासी देखते हैं, जिसके बाद वो तुरंत जाकर अपनी प्राइवेट डायरी निकालती है और उसमें लिखना शुरू कर देती है, जिससे हमें पता चलता है कि मार्ता अपने पति से जरा भी खुश नहीं होती क्योंकि अब वो उसे बेड पर सेटिस्फेक्शन देने में असमर्थ है। वो ये भी बताती है कि शादी से पहले डायरियों में काफी स्टेमिना था मगर अब उसमें वो बात नहीं रही, जबकि हमारी शादी को सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं। इसके बाद वो डायरी को वापिस रखकर डारियो के बगल में जाकर सो जाती है। अगले दिन उसकी आंख खुलने पर डारियो वहां नहीं होता, वो पहले ही अपने काम पर जा चुका था। फिर मार्ता डारियो की लिखी हुई एक बुक पढ़ती है, जिसमें हमें पता चलता है कि डारियो एक अडल्ट एडवेंचरस बुक राइटर है। उसकी बुक में वो सब होता है जो कि एक लेडी को प्लेजर देने के लिए काफी था, मगर रियल लाइफ में डारियो अब वैसा बिल्कुल भी नहीं था। मार्ता मैस्टरबेट करती है मगर तभी डारियो घर पर आ जाता है और उसे देखकर वो सोने का नाटक करती है। डारियो उसे जगाता नहीं है और उसी बुक पर एग्जीबिशन की टिकट छोड़कर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद मार्ता को वो टिकट मिल जाती है और आगे हम मार्ता को आर्ट एग्जीबिशन में देखते हैं, जहां पर वो पेंटिंग्स को देख रही थी कि तभी वहां पर खड़ा एक आदमी मार्ता की पिक्चर लेने लगता है, जिसे देखकर वो थोड़ी अनकंफर्टेबल फील करती है, इसलिए वो दूसरी जगह जाकर पेंटिंग्स देखने लगती है। लेकिन तभी वो आदमी पीछे से आकर मार्ता को गलत जगह छूने लगता है, साथ ही वो उसे किस भी कर रहा था। मार्ता उसे रोकने की काफी कोशिश करती है मगर वो नहीं रोक पाती। इतने में ही एग्जीबिशन देखने के लिए कुछ कॉलेज स्टूडेंट वहां आ जाते हैं, फिर मार्ता खुद को छुड़ा कर अपना सामान ले वहां से निकल जाती है। घर आकर वो सोचती है कि आखिर वो उस आदमी को क्यों रोक नहीं पाई। तभी डारियो भी घर आ जाता है। तभी मार्ता डारियो को बताती है कि आज एग्जीबिशन में किसी अनजान आदमी ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, साथ ही वो कहती है कि मैं उसे रोक भी नहीं पाई बल्कि मैं तो उसे काफी एंजॉय कर रही थी। ये सब सुनने के बावजूद डारियो को कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसे लगता है कि ये मजाक कर रही है। इसके बाद डारियो उसे फेस्टिवल पार्टी में जाने के लिए रेडी होने का कहता है। कुछ देर बाद हम पार्टी का सीन देखते हैं जहां डारियो अपने कुछ राइटर फ्रेंड्स के साथ बिजी था, तो दूसरी तरफ मार्ता अकेले ही ड्रिंक कर रही थी। इसी बीच उसके पास वही आदमी आता है जिसे हमने एग्जीबिशन में देखा था। वो यहाँ भी मार्ता को सेड्यूस करने की कोशिश करता है मगर इस बार मार्ता उसे रोकने की बजाय काफी इंजॉय करती है। वही ये सब डारियो दूर से देख रहा था मगर इससे पहले कि वो कुछ करता, उसके कुछ फ्रेंड्स वहां आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद सभी कुछ बातें करते हैं और उनके जाने के बाद जब डारियो मार्ता को देखता है तो वो वहां नहीं होती। दरअसल वो आदमी मार्ता को दूसरी तरफ ले जा चुका था, जहां दोनों रोमांस करते करते इंटीमेट होने ही वाले थे कि तभी सिल्विया नाम की लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां आ जाती है, जिसके कारण इन्हें रुकना पड़ता है। दरअसल सिल्विया डारियो के दोस्त की बीवी थी और वो मार्ता को किसी और लड़के के साथ रोमांस करता हुआ देख काफी हैरान हो जाती है, जिस कारण वो मार्ता से कुछ बात करने के लिए अपने साथ वॉशरूम में लेकर जाती है, जहां सिल्विया के पूछने पर मार्ता बताती है कि उसे अब डारियो प्लेजर नहीं दे पाता, जिसके कारण वो काफी डिप्रेस रहती है। तभी सिल्विया उससे बताती है कि शादी के बाद ये सब तो नॉर्मल है और मैं भी यहाँ अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय करने आई हूँ। वो कहती है कि ऐसे किसी दूसरे आदमी के साथ अफेयर रखना कोई बुरी बात नहीं है, इससे हमारे हस्बैंड को जेलस फील होता है और वो लोग गुस्से के चलते बेड पर और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, इसीलिए वो मार्ता को भी एक ऐसे ही आदमी को ढूंढने का कहती है। वहीं पार्टी से घर आने पर डारियो मार्ता से उस आदमी के बारे में पूछता है कि आज पार्टी में तुम एग्जीबिशन वाले आदमी के साथ डांस कर रही थी। इस पर मार्ता सिल्विया के कहने पर हाँ कहती है, साथ ही वो कहती है कि उसका चूना मुझे काफी अच्छा लगा। ये सुनने के बाद डारियो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो मार्ता को बेड पर लेकर जाता है और वो इंटीमेट होता है। इसके बाद मार्ता बैल्कनी में आती है और वो काफी खुश नजर आ रही थी क्योंकि उसे काफी टाइम बाद इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिला था। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी मार्ता को दूरबीन से देख रहा था और मार्ता को इसके बारे में पता चलते ही वो काफी अजीब हरकत करने लगती है। अगली सुबह एक वेटर मार्ता के लिए चिट्ठी लेकर आता है जो कि असल में उसी आदमी की थी जो कल रात मार्ता को बैल्कनी से देख रहा था। वो अपना नाम लियोन बताता है और मार्ता को रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है। मार्ता पहले हिचकिचाती है लेकिन कुछ देर बाद वो उसे मिलने के लिए चली जाती है। वहां मार्ता काफी देर तक लियोन का इंतजार करती है और जब वो वहां से जाने ही वाली होती है कि तभी लियोन आ जाता है और आते ही वो मार्ता को छूने लगता है। इसके बाद वो रेस्टोरेंट के वॉशरूम में जाकर इंटीमेट होते हैं। दूसरी तरफ हम डारियो को देखते हैं जो कि किसी रिपोर्ट को लेने के लिए अपने घर आया था। रिपोर्ट ढूंढते वक्त उसे मार्ता की प्राइवेट डायरी मिलती है, जिसे पढ़ने पर उसे पता चलता है कि मार्ता अब उसके साथ खुश नहीं है।
क्योंकि वो उसे प्लेजर नहीं दे पा रहा। डारियो को ये भी लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं उसकी ही गलती है, पर वो मार्ता के अफेयर के बारे में जानकर काफी गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद जब मार्ता देर रात को घर वापस आती है, तब डारियो भी काफी शराब पीकर घर आता है। वो मार्ता से गुस्से में पूछता है कि इतनी देर रात तक तुम कहाँ थी, जिस पर मार्ता कहती है कि वो सिल्विया के साथ थी। मगर क्योंकि डारियो को सब पता चल गया था, इसीलिए वो मार्ता को एक जोरदार थप्पड़ लगाता है और गुस्से में मार्ता बाथरूम में चली जाती है, जहां डारियो घर का सारा सामान इधर उधर फेंकने लगता है। फिर वो मार्ता की प्राइवेट डायरी पढ़ता है, जिसमें मार्ता ने लियोन के साथ आज किया हुआ सब लिखा हुआ था। ये पढ़कर डारियो और ज्यादा दुखी हो जाता है। दूसरी तरफ मार्ता की आंख लगने के कारण उसे एक सपना आता है। डारियो उसे किसी और के साथ देख कर उसे गोली मार देता है। वहीं बाहर आने पर उसे पता चलता है कि डारियो ने उसकी डायरी पढ़ ली है। साथ ही में उसे डारियो का एक नोट भी मिलता है, जिस पर लिखा था कि उसे आज रात होने वाली फेस्टिवल पार्टी में आना है। साथ ही डारियो ने अपने बिहेवियर के लिए उस नोट में सॉरी भी लिखा था, क्योंकि डारियो ने मार्ता की प्राइवेट डायरी पढ़ ली थी। इसलिए वह लियोन को कॉल लगाती है और उसे किसी तरह से एक होटल में मिलने के लिए बुलाती है, जिस पर लियोन भी अग्री हो जाता है। वही मार्ता जब होटल रूम में पहुंचती है, तब वो वहां कई सारी स्केचेस देखती है, जिसे खुद लियोन ने अपने हाथों से बनाया था। दरअसल लियोन एक स्केच आर्टिस्ट था। वो खूबसूरत लड़कियों की फोटोस क्लिक कर उनका कुछ स्केच बनाता था, और जैसा कि हम मूवी के स्टार्टिंग में देख चुके हैं कि वो मार्ता की भी फोटोस खींच रहा था, वो दरअसल इसीलिए ही थी। इसके बाद लियोन मार्ता को अपने पास बुलाता है, फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जब मार्ता सो रखी थी, तब लियोन उठकर उसकी बैक साइड का स्केच बना रहा होता है। आगे वो मार्ता की आंख पर पट्टी बांधकर उसकी कुछ फोटोज खींचता है। दरअसल वो फोटोज भी उसकी आने वाली स्केच के लिए थी। इसके बाद रूम में लियोन का एक दोस्त आता है, तो लियोन मार्ता को उन दोनों के साथ इंटीमेट होने के लिए बोलता है। फिर दोनों एक साथ इंटीमेट होते हैं। दूसरी तरफ हम डारियो को फेस्टिवल में देखते हैं, जो अभी मार्ता का इंतजार कर रहा था। मगर काफी देर तक जब वो नहीं आती, तब वो सिल्विया से पूछने के लिए जाता है कि मार्ता कहाँ है, क्योंकि वो सुबह से गायब थी और उसका सेलफोन भी बंद आ रहा था। जिस पर सिल्विया कहती है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ है, शायद वो तुमसे बात नहीं करना चाहती, इसलिए उसने अपना फोन बंद कर लिया हो। डारियो सिल्विया को अपने हस्बैंड के साथ ना देख कर समझ जाता है कि सिल्विया ने ही मार्ता के दिमाग में ये सब डाला होगा। वही मार्ता और लियोन भी एक पार्टी में आए थे, जहां मार्ता नेकड होकर सभी लोगों के सामने डांस करती है, और आखिर में वो पार्टी में लियोन के साथ इंटीमेट होती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि मार्ता को प्लेजर के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। साथ ही में मार्ता अब लियोन को पसंद करने लगी थी, और इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि लियोन पब्लिक में इंटीमेट होने से बिल्कुल भी डरता नहीं था। लियोन उसे पूरी आजादी देता था कि वह उसके सामने किसी और मर्द के साथ इंटीमेट हो सकती है। और इन सब बातों के बाद मार्ता वापस अपने घर आती है, जहां वो डारियो को सोता हुआ देख आराम से घर के अंदर आती है। मगर तभी डारियो, जो कि उसकी प्राइवेट डायरी पढ़ रहा था, वह एक बार फिर मार्ता से पूछता है कि तुम इतनी रात को कहां से आ रही हो। इस बार भी मार्ता झूठ बोलती है कि वो सिल्विया के साथ पार्टी में डांस कर रही थी। मगर क्योंकि डारियो फेस्टिवल पार्टी में सिल्विया से मिल चुका था, इसलिए उसे यकीन हो जाता है कि मार्ता जरूर लियोन के साथ ही थी। इसलिए अब वो मार्ता के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होता है, जिससे मार्ता भी काफी इंजॉय करती है। इसका मतलब सिल्विया का हस्बैंड को जेलस करने का ये आइडिया काम कर गया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि सिल्विया अपने हस्बैंड को छोड़कर लियोन के साथ जाती है, यानी कि यह आइडिया सिल्विया के लिए खुद के लिए काम नहीं करा, मगर वो मार्ता के लिए कर गया, जिसके कारण सिल्विया लियोन के साथ भाग गई। और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।